केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 59,048 रुपए की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी दिए जाने पर चंडीगढ़ भाजपा एससी मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत व केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। वह इस योजना को विद्यार्थियों को, विशेषकर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बड़ी राहत बता रहे हैं। भाजपा एससी मोर्चा के द्वारा प्रदेश कार्यालय कमलम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज प्रदेश एससी मोर्चा के प्रधान कृष्ण कुमार ने बताया कि आगामी 5 वर्षों में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए लगभग 4 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। वर्ष 2018 से 19-20 तक के लिए दी जाने वाली 1100 करोड़ रुपए की इस सहायता को वर्ष 2021-22 से 25-26 तक के लिए 6000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जो स्कीम केंद्र द्वारा जारी की गई है उसके बारे में बताएंगे सर, थोड़ा सा क्या है स्कीम ये? केंद्र सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट्स एंड बेनिफिट्स के लिए एक ये स्कीम लागू की गई है, शुरू की गई है। इसमें 59,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो सरकार द्वारा दिया गया है। इस स्कीम के तहत पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक के बाद की हायर एजुकेशन के लिए शेड्यूल कास्ट, विशेष तौर से शेड्यूल कास्ट बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। और ये जो सहायता है और ये जो स्कीम के तहत जो आर्थिक पैकेज जो दिया जाएगा वो डायरेक्ट बेनिफिट DBT के स्कीम के तहत उनको खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा और इसका सीधा लाभ पहुंच सके इसके सुनिश्चित किया जाएगा। और इसको आधार से लिंक किया जाएगा, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए सुविधा मिल सके, उनको किसी तरह की ये तंगी ना आ पाए कि वो आगे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से वो ना पढ़ पाए, ऐसी कोई तंगी ना आ सके, इस वजह से ये स्कीम शुरू की गई है। चंडीगढ़ के लिए बताना था, चंडीगढ़ में कितने के पैसे सेशन होंगे, कितने के स्टूडेंट हैं शेड्यूल कास्ट वगैरह? चंडीगढ़ में देखिए, मेरा जहाँ तक अनुमान है, वैसे मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है 15-20% स्टूडेंट जो है वो चंडीगढ़ में शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। और उनमें से भी अगर हम माने तो 10% कम से कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो पैसे की तंगी की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इस स्कीम के तहत जिन स्कीम का फ़ायदा मिलने से उन 10% जो बच्चे जो पैसे की तंगी की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनको लाभ मिलेगा और वो पढ़ने के लिए वो आगे जा पाएंगे और मेन स्ट्रीम में वो शामिल हो पाएंगे। स्कीम शुरू कब की गई सर केंद्र द्वारा? ये स्कीम अभी परसों बुधवार को शुरू की गई है जी, परसों यानी कि 31 तारीख को इसकी घोषणा हुई है जी। सर, चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ाना बहुत ही कम खर्चे में आता है, पर इस स्कीम के बाद क्या लाभ मिलेगा? देखिए, स्कूलों में की बात नहीं है, मैं स्कूल के बाद की बात कर रहा हूँ। किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, उसके लिए लाखों रुपए फीस है। बच्चा एक गरीब बच्चा, गरीब से गरीब जो बच्चा है वो लाखों रुपए फीस नहीं दे पाता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसको पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए स्कीम चलाई गई है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, उसमें ये बच्चा जो उसके जो क्राइटेरिया में अगर वो आता है तो उसके अनुसार ये स्कीम का वो लाभ ले सकेगा और उसको ये बेनिफिट होगा। बच्चों को जुड़ने के लिए ऐसे क्या करना पड़ेगा? इसको एक कुछ भी नहीं, एक ऑनलाइन पोर्टल इसका शुरू किया जा रहा है, ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगी और ऑनलाइन पोर्टल से ही सारा कुछ इसका सारा सिस्टम होगा। किसी तरह का कोई उसमें कोई हैसल नहीं होगी, किसी तरह की कोई तंगी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, बच्चे बड़े आराम से इसको ऑनलाइन पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।